वाले हैं। तो क्या खुदा को इश्क लगा, मखलूक साजी दुनिया बनाई। बाबा भोले शाह कहते हैं मिट्टी का कलबूत बना के विच बन बैठो आपे, आपे धिया आपे पुत्र आपे बन बैठो मापे। इसका मतलब है आप ही औरत से शादी करता है, आप ही औरत को मिलता है, आप ही बेटा बन के आया, आप ही बेटी बन के आया, आप ही बाप कहला रहा है। तो सब कुछ उसका ही है। आपे धियां आपे पुत्र आपे बन बैठो मापे, तेरे आपे ही रोवे आपे कदे आपे करे सियापे। आप ही मर जा रहा है, आप ही रो रहा है, आप सियापे कर रहा है। तो गुरु बताते हैं, क्या बताते हैं? आपे धियां आपे पुत्र आपे बन बैठो मापे, आपे ही रोवे आपे कदे आपे करे सियापे। जब बुल्ले शाह नूं मुर्शिद मिलिया फिर आपे दा आपे। अरे गुरु ने बताया, अरे भैया तू तो आप ही सब कुछ कर रहा है, गुरबाणी भी कह रही है करे करावे आपे आप। सबसे पहले खुदा को इश्क लगा, ये दुनिया बनाई। एक जगह वारस ने हीर में लिखा है, अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे, अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे। इश्क कीता सो जग दा मूल मियां, पहले आप ही रब ने इश्क कीता अते मशूक सी नबी रसूल में, फिर मखलूक बनाई। जब दुनियादारी में इश्क आया, इश्क ने अपनी तरफ खींच लिया इस दुनिया ने। इश्क कैसा है? खुदा को भी लूट लिया ऐसा इश्क है। मैं उस इश्क की थोड़ी सी लाइनें बताने लगा हूँ, सब दुनिया को इश्क नचा रहा है। कैसे? तेरे इश्क, तेरे इश्क, तेरे इश्क ने चाया, 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 तेरे इश्क ने कैसे लूट लिया है। निष्क्रिय महकमे में गया है, निष्क्रिय महकमे में गया। अब वो इश्क ने मेरी दुनाई ठग ली, मैं तो गया सा इश्क तो दाद लेने, अगो इश्क ने मेरी सफाई ठग ली। इस इश्क ने बड़े बड़े ठग ले करू बादशाह दी बादशाही ठग ली। एक मिसाल देने लगा हूँ, एक पेड़ खजूर होती है, कितनी ऊंची लंबी होती है। जब ऊपर चढ़ जाता है आदमी, इसी तरह बंदा बंदगी में ऊपर जाता है। अगर ये अपनी बंदगी से ना गिरे तो वो उसका आनंद लेगा भगवान का। इसी तरह खजूर के पेड़ पर जो आदमी चढ़ जाता है तो रस चूकता, अगर ये रास्ते में से गिर जाता है तो खत्म हो जाता है। कैसे उसकी मिसाल है एक नाम की, इश्क इश्क में।